हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल कैसी चल रही है आप सबकी प्रैक्टिस मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और आज शुरुआत करते हैं सेट फोर की एमसीक्यू सी क्यू हम लोग कवर कर रहे हैं आजकल तीन सेट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है जिस चीज के अराउंड फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन है कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपके मार्क्स ट्वेंटी तक पहुंच जाए पूरे मार्क्स आने चाहिए आपके इन क्वेश्चन में हिस्ट्री और फोनेटिक्स के एम की भी डिमांड आ रही है वो भी हो जाएगा धीरे धीरे पहले आप लोग लिटरेचर से रिलेटेड एम जिसमें कि प्लेज पोइट्री नॉवल ये सब इंक्लूडेड है ये सब कवर करिए पहले अच्छे से और साथ ही साथ हिस्ट्री और फोनेटिक्स के वीडियोस कवर करते रहिए जब तक ये सब कवर होगा तब तक हिस्ट्री और फोनेटिक्स के वीडियो सेशंस आ जाएंगे हर वीडियो की शुरुआत से पहले इस तरीके के ट्वेंटी पॉइंट्स बना लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए आपके कितने राइट और कितने रॉन्ग हुए और ऑनेस्ट रहिए अपने साथ यू कैन बी ऑनेस्ट विद यू अगर मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर आता था और वही आंसर राइट निकला तो टिकट राइट और टिकट रॉन्ग और उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताइए कमेंट्स में कि 20 में से कितने मार्क्स आए आपके यही क्वेश्चन देखिए जैसे अगर क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम है कि आंसर क्या है तो अपने आप को मार्क्स दे दीजिए आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज नॉट पोर्ट्रेड इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस मर्चेंट ऑफ वेनिस बाई शेक्सपियर शेक्सपियर से रिलेटेड आपका टेम्पेस्ट है लेकिन शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं पोशिया बसेनियो शाइलॉक और ब्रूटस जो भी बहुत पॉपुलर टेक्स्ट हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है शेक्सपियर से रिलेटेड द करेक्ट आंसर हेयर इज ब्रूटस क्योंकि ब्रूटस बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हैं जूलियस सीसर की अगर राइटर के बारे में पूछी जाएंगी तो बहुत ही कॉमन चीज़ें बहुत ही कॉमन राइटिंग से जो कि मे बी क्लास ट्वेल्थ तक कवर की जा चुकी हैं सीजर सीजर जो कि रोमन डिक्टेटर थे ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेनेटर्स ऑन दी 15th ऑफ मार्च 15th ऑफ मार्च को उनको मारा गया था अगर आपने क्लास टेंथ में जूलियस सीजर पढ़ा है जनरली सिलेबस में होता है तो ये बेसिक्स आपको शायद मालूम होंगे 44 फोर बी की ये बात है

छोटे छोटे फैक्ट सुनिए वीडियो को फॉरवर्ड मत करिए कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि उस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्पीच में मिल जाएंगे और वो फैक्ट आपके काम आ जाएंगे हैज स्पेंट 12 इयर्स ऑन दिस आइलैंड एंड ही हैज बीन रिफाइनिंग हिज मैजिक दैट विल गिव हिम द पावर टू पनिश ऑल द पीपल ऑल द एनिमीज Next question, from which country is Alonso's ship returning when it is caught in the tempest? कहाँ से वापस आ रहा था एलोंजो का शिप जबकि वो एक तूफान में फंस गए? नोबिल्स actually were returning from, returning to Naples from Tunis. अगर टू आए तो आपको नेपल्स आंसर करना है फ्रॉम आए तो ट्यूनिस आंसर करना है जहाँ पर कि एलॉन्सो की, की डॉटर की शादी थी ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है मैंने अभी इस वीडियो में तो नहीं क्रिएट किया ये क्वेश्चन फिर भी आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख लीजिए अपने पास एलॉन्जो की डॉटर क्लेरी बेल की शादी के लिए ये सब लोग गए थे ट्यूनिस और वहीं से वापस आ रहे थे जहाँ पर शिप तूफान में फंस गया नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग हैव हेव एंड मिरांडा बीन ऑन दिस आइलैंड टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयरस ट्वेल्व ईयर्स और वन डे हैज बीन ऑन द आइलैंड विद मिरांडा फॉर ट्वेल्व ईयरस सिंस ही वॉज यूसर्ब एस दूक ऑफ मिलैंड बाई हिज ब्रादर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगी सो क्वेश्चन 66 से हमारा स्पीच से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्ट ऑप्शन दैट

ऑप्शन ए यहां पर राइट right आंसर है व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिबनस मदर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी साइकोरिक साइकोरिक इज एन अनसीन कैरेक्टर इन शेक्सपियरस प्ले टेंपेस्ट जो कि अराउंड 1610 और 11 का है ईयर भी आप लोगों को याद रखना है दिस इज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट विदाउट एनी कोलैबोरेशन हाउ मेनी डेज द एक्शन ऑफ द्लेस टू वन थ्री और फोर करेक्ट आंसर प्ले द क्वेश्चन तीन यूनिटी जो बोली जाती है प्लेस की टाइम प्लेस एंड एक्शन इन सबको बहुत ही अच्छे से फॉलो किया गया यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ एक्शन क्वेश्चन सिक्सटी नाइन विच मिथिकल फिगर्स अपियर इन देडिंग मास्क प्रोस्पर स्टेजेस फॉर मिराडा एंड फोर्डिनेट सेरेस आयरस एंड जूनो सबसे पहले इसमें से आयरस आते हैं देन सेरेस एंड देन जूनो में भी आपको सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए एंड दे आर हेयर टू सेलिब्रेट द्रू लव नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी मिराडा एंड फोर्डिन एंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्लेइंग चेस Near the end of the tempest, Prospero discovers that Ferdinand and Miranda are playing chess—a moment that is a symbolism of a romantic partnership. Who helped Prospero and Miranda to flee Italy? Correct answer is option B, Gonzalo. Prospero and his baby daughter Miranda, who was three years old, they were put to sea in a very rotten boat, and he was.

चेंज करेंगे प्रोनाउन को प्रोनाउन इज सेड कि थर्ड पर्सन है तो ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा राजेश सेड ही बॉट अब सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है तो यहां पर हम हैड बॉट कर देते तो राजेश सेड ही हैड बॉट का येस्ट डे गेट्स कन्वर्टेड इन टू प्रीवियस डे ऑप्शन बी ही राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कारेक्टली मैच्ड मालो डॉक्टर फोस्टर्स शेक्सपियर्स द विंटर टेल रिचर्ड शेरिडन द राइवल्स ऑलि गोल्ड स्मिथ द स्कूल फॉर स्कैंडल स्कूल फॉर स्कैंडल इज ऑल्सो अ कॉमेडी रिटर्न बाय रिचर्ड शेरिडन जो कि लंडन ड्यूरील थिएटर में परफॉर्म की गई थी वंस अपन अ टाइम ऑलिवर गोल्ड स्मिथ विद स्कूल फॉर स्कैंडल दैट इज द रोंग ऑप्शन हेयर तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी क्वेश्चन 74 देयर आर डैश नंबर ऑफ प्लेस दैट शेक्सपियर राइट इन ऑल द करेक्ट आंसर इज 37 क्वेश्चन 75 हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विद आर फेदर्स द करेक्ट आंसर हियर इज रॉबर्ट ग्रीन ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन ने 1592 में ये कहा था कि शेक्सपियर जो हैं, वो बहुत ही प्लेजरिज्म के अकॉर्डिंग लिखते हैं कहीं ना कहीं से उनके प्लेसेस कॉपी किए होते हैं हु रिडिक्यूल शेक्सपीयर बाय सेन डेट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक द करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन लैटिन और ग्रीक एपिटेमी लैंग्वेजेस मानी जाती थी और बहुत ही स्कॉलरिस्टिक्स लैंग्वेज मानी जाती थी एंड शेक्सपियर हु वॉज नॉट वेल एजुकेटेड एंड लैफ नॉलेज ऑफ द टू फाउंडेशनल लैंग्वेजेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय बेन जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेज शेक्सपियर हैज ऑनली हीरोइंस एंड नो हीरोज रस्किन रस्किन सेज दैट देर इज यू नो देर इज नो वन एंटायरली हीरोइन फिगर इन ऑल हिस प्लेस एक्सेप्ट द स्लाइट स्केच ऑफ हैनरी द फाइव हैंनरी द फाइव एक हीरोइक फिगर्स हीरोइन फिगर लगती हैं उनके प्ले में लेकिन उनके प्ले में वर्चुअली कोई हीरोज नहीं होते ऑल द हीरोज ऑफ दिस प्लेज आर जस्ट ग्लैमरलेस बिफोर द शाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द हीरोइंस next question Aldous huxley took the hint for the title of his novel brave new world from shakespeare's witch play the correct answer here is tempest brave new world a dystopian novel here written by Aldous huxley it was written in 1931 and got published in 1932 question 79 shakespeare was born at stratford-on-avon stratford was the name of the town where he was born? Avon. Avon actually was a river on the bank of which Stratford was situated. Option C. Right answer. Next question. Question number 80. today's last question. Shakespeare's King Lear was given a happy ending by one of the following playwrights. Identify the playwright. The correct answer here is Nahan Tate. History of King Lear. History of King Lear, what do adopt kiya. ंग लियर इट फर्स्ट अपियर इन सिक्सटीन एटी वन सिक्सटीन एटी वन में अपियर हुई थी सम सेवनटी फाइव ईयर्स लेटर सेवेंटी फाइव ईयर्स आफ्टर शेक्सपियर्स वर्जन एंड इट इज बिलीव डेट शेक्सपियर के वर्जन को रिप्लेस कर दिया गया और हैप्पी एंडिंग प्रोवाइड की गई है तो अब मुझे बताइए आपका स्कोर बोर्ड क्या कहता है कितने मार्क्स आए आपके ट्वेंटी में से मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए और अगर अभी फुल मार्क्स नहीं आए हैं तो रिपीट करिए वीडियोस को बार बार देखिए आप जरूर परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे और ये है आपका ग्रामर का सिलेबस ग्रामर का सिलेबस ही मैं अभी आपसे यहाँ डिस्कस करी क्योंकि लिटरेचर का सिलेबस मैं आपसे बहुत डिटेल में बहुत से वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और लिटरेचर के लगभग सभी टॉपिक्स की प्ले भी अवेलेबल है वो लिस्ट भी मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में वॉच इट अगर अभी तक नहीं देखें बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको फिलअप्स में ये सभी टॉपिक्स आपको आएंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप सबको एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए